चुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दल जनता को लुभाने में लग गए हैं। विभिन्न वादों और दावों के साथ प्रचार प्रसार बैठकों के रूप में किया जा रहा है। इसी क्रम में बीते दिन पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने खुडैल गांव में मंत्री तुलसीराम सिलावट को अपने अंदाज में आड़े हाथों लिया। मंत्री जीतू पटवारी ने मालवी भाषा में खुडैल ग्रामीणों को संबोधित किया और जल संसाधन मंत्री व भाजपा प्रत्याशी तुलसी सिलावट को लेकर अपने अंदाज में व्यंग कसे। पटवारी ने कहा कि सिलावट कर्ज माफी नहीं करते हैं तो हम उन्हें गांव में नहीं घुसने देंगे। इंदौर से सतीश शर्मा की रिपोर्ट। माफ होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? फिर से पूछूंगा, 2 लाख रुपया ना तक को किसान ना कर्जो माफ होनी चाहिए कि नहीं? अगर यो तुलसीराम सिलावट चुनाव पिछली सरकार में भी थो और इन्हीं सरकार में भी है, अगर यो 2 लाख रुपया तक को कर्जो माफ नहीं कराओगे चुनाव पहला, तो इनका गांव में घुसना था ना कहीं? तुलसीराम सिलावट 2 लाख रुपया तक को कर्जो पिछली सरकार में भी थो इन्हीं सरकार में भी है, तो माफ नहीं कराओगे चुनाव पहला, तो इनको अपन गांव में घुसना था ना कहीं? ये भैया सब दूर तुलसीराम सिलावट तक पहुंचा देना है, जीतू पटवारी की बात नहीं है, कांग्रेस की भी नहीं, बीजेपी की भी नहीं है, जो किसान ना की बात है। 2 लाख रुपया तक को कर्जो माफ नहीं होगा, किसान लठ लीनू भी है, ध्यान रख।